हे गाइस, वेलकम बैक अगेन चैनल देसी व्लॉग्स। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया था एक डूडल फैट बाइक। हमारे सामने है ई मोटोराइड कंपनी की तरफ से आया हुआ है। इस वीडियो में हम ओवरऑल बात करेंगे इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और प्राइस की बात करेंगे। ओवरऑल टेस्ट ड्राइव लेके भी हम आपको दिखाएंगे क्या इसका कम्फर्ट और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इसमें है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसकी क्या ओवरऑल डिटेल्स है। तो गाइस, सबसे पहले हमारे सामने आप देख सकते हैं ई मोटोराइड कंपनी की तरफ से हमारे पास आया हुआ है ये एक प्रोडक्ट डूडल फैट बाइक। ओवरऑल अगर बॉडी की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ब्लैक कलर में आपको ये मैट ब्लैक में आपको फिनिशिंग मिल जाती है। तो अगर इस पर ग्राफिक्स की बात करें तो आपको डूडल का ग्राफिक्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ग्रीन एंड ब्लैक वाइट का आपको यहाँ पे डूडल का ग्राफिक्स मिल जाता है जो कि काफ़ी प्यारा लुक देता है। आपको इस फैट बाइक की सबसे जो खासियत है वो मैं आपको बता दूँ, ये एक फोल्डेबल बाइक है, फैट बाइक है। यहाँ से जो है ईज़िली आप फोल्ड कर सकते हैं विद यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन है। आप इससे लॉक को ऊपर की तरफ करते हैं, यहाँ से आपको लीवर को पुल करना है और यहाँ से आप इजीली जो है इसे फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप इजीली इसे फोल्ड कर सकते हैं और इसके अंदर आपको मैं पास से दिखाऊँ तो यहाँ पे बैटरी इंक्लूड की गई है। यहाँ से ये डिटैचेबल बैटरी है, यहाँ से आप इजीली इस बैटरी को निकाल सकते हैं और आप अपने होम पे, घर पे, कहीं पे भी आप इसे इजीली रिचार्ज कर सकते हैं। और इसे आप दोबारा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा ये आपका लॉक हो गया, इसे दोबारा पुश करना है और ये आपका लॉक हो चुका है। तो ये एक हमारे सामने फोल्डेबल इलेक्ट्रिक डूडल फैट बाइक। गाइस, इसके बाद आप जो सेफ्टी लॉक देख रहे हैं, क्लिक लॉक जिसे कहते हैं, आप इसको लॉक करना ना बोले, यहाँ से जैसे आप इसे लॉक करते हैं तो ये आप इसे दोबारा फोल्ड नहीं कर सकते, आप इसे पुल नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर फर्स्ट फ्रंट से बात करें तो आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक हैंडल बार मिल जाता है जो कि ड्रॉप डाउन बार भी है। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लॉक अनलॉक का जो है आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है। यहाँ से आप हैंडल को रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से ईजिली इसे लॉक कर सकते हैं। साथ में इस हैंडल बार को आप ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से जो ये फोल्डेबल फैट बाइक हमारे सामने है, यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हैं। ऐसे ही सेम आप यहां से जो है इसे अनलॉक करके जो है इजीली आप इसे अनलॉक करके आप अपने डिक्की में कहीं भी इजीली आप इसे रख सकते हैं। यहां से भी आपको लॉक अनलॉक का फीचर्स मिल जाता है। गाइस, इसके बाद अगर फ्रंट में ही बात करें यहां पे गियर की, तो आपको यहां पे शिमानो का 7 स्पीड में गियर मिल जाता है ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बटन भी दिया हुआ है, इसे गियर को आप कम करने के लिए है, यहाँ पर अप करने के लिए बटन दिया गया, इससे आप गियर इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप फ्रंट में ही हैंडल बार पर आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर हॉर्न का। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको 3 इंचेस की आपको LCD डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें कि आपको 3 बटन दिए गए हैं, प्लस का, ऑन ऑफ का और माइनस का। इसके क्या फंक्शन है आपको बता दो, सबसे पहले यहाँ से आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पीड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, टोटल जो रनिंग है हमारी वो आ रहा है 5 किलोमीटर अभी तक रनिंग है। अब बाकी यहाँ पे 0 असिस्ट लिखा हुआ है। असिस्ट का मतलब ये है कि आपको PAS पैडल असिस्टेंट मोड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर माइनस वाले बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पैडल असिस्टेंट मोड का ऑप्शन आ गया। बाकी यहाँ पे आपको पैडल असिस्टेंट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, ड्रिवन का मिल जाता है, यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, फुली चार्ज है। यहाँ पे आपको जो है प्लस का ऑप्शन है, माइनस का आपको बता दिया, PAS पैडल असिस्टेंट मोड के लिए ऑप्शन है, ऑन ऑफ के लिए। प्लस से आप अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है देख सकते हैं लाइट का ऑप्शन आ रहा है। फ्रंट में आप देखिए यहाँ पर आपकी LED लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छी खासी लाइटिंग, अंधेरे में आपको ये लाइटिंग काफ़ी अच्छी रोशनी मिल जाती है आपको। गाइस, वही अगर बात करें टायर साइज़ की, फैट टायर हमारे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 20x4 इंच के आपको फैट टायर मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, और साथ में ये मैग्नीशियम अलॉय रिम के साथ आपको ये फैट टायर मिल जाता है। वहीं अगर बात करें सस्पेंशन सिस्टम की, तो आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक ऑयल सस्पेंशन सिस्टम मिल जाता है। आपको यहाँ पे फ्रंट में जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑयल सस्पेंशन सिस्टम मिल जाता है, जिसके साथ आपको यहाँ पे लॉकआउट का फीचर्स भी मिल जाता है। यहाँ पे आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, जिससे आपका जो सस्पेंशन है वो लॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है यहाँ पे। वहीं अगर बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की, तो आपको जो है फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको डुअल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है यहाँ पे। तो जैसा कि आपको बताया मैंने, आपको इसमें डुअल डिस्क ई ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, 160mm के आपको डुअल डिस्क यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें आपको 7 स्पीड के शिमानो का गियर भी आपको इसमें मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पे रियर में आपको रियर कैरियर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जिसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। अगर आप का वेट अगर 100 kg के अप्रोक्स भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें वेट कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको नीचे जो है साइड स्टैंड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको
गाइस जैसा कि आपको बताया था, ये एक फोल्डेबल बाइक है, फैट बाइक है। तो साथ में आपको जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेटल का पैडल मिल जाता है, जिसे आप अगर फोल्ड करके रखते हैं कहीं पे भी तो आप ऐसे इजीली नहीं इसे फोल्ड कर सकते, लेकिन ड्रॉप डाउन की फैसिलिटी मिलती है, आपको फीचर्स मिल रहे हैं, तो आप इसे ड्रॉप करते ही, डाउन करते ही आप इसे डाउन कर सकते हैं। तो ड्रॉप एंड डाउन जो है आप इसे इजीली कर सकते हैं और कहीं पे भी इसे कैरी कर सकते हैं इजीली। वहीं गाइस अगर बात करें सीट की, तो आपको काफ़ी कंफर्ट सीट मिलने वाला यहाँ पे जो है। साथ में ये एक एडजस्टेबल सीट है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसे आप इस यहाँ से अप एंड डाउन करके जो है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ में यहाँ से इसे आप इजीली लॉक कर सकते हैं। इसकी अगर क्वालिटी की बात करें कुशनिंग की, तो काफ़ी, अगर मैं बात करूँ मेरा जो पर्सनल रिव्यू है, तो काफ़ी सॉफ्ट इसकी क्वालिटी है, कुशनिंग का भी काफ़ी अच्छी है इसकी। गाइस जैसा कि वो बताया था, आपको फ्रंट में जो है एलईडी हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है, वहीं रियर में आपको ब्लिंकिंग रिफ्लेक्टर का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। वहीं बैटरी के साथ अगर बात करें, तो आपको बैटरी को रिमूव करने के लिए, लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे की का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, बैटरी को ईजिली डिटैचेबल कर सकते हैं, निकाल के आप चार्ज कर सकते हैं। गाइज ये रहे ओवरऑल, आपको मैंने इस फैट जो हमारे सामने इलेक्ट्रिक बाइक है उसकी डिटेल्स बताई है, फीचर्स बताए हैं, ओवरऑल जो इसके मेन फीचर्स है आपको बता देते हैं। इसकी अगर बैटरी की बात करें, तो 36 वोल्ट 10.4 एएच की आपको डिटैचेबल बैटरी मिल जाती है विद की लॉक फीचर्स के साथ। वहीं अगर मोटर की बात करें रियर में आपको, तो यहाँ पे रियर हब BLDC का आपको 250 वॉट का जो है मोटर मिल जाता है। वहीं अगर बात करें रेंज की, मेन जो सवाल हमारे पास आते भी हैं कस्टमर के, व्यूअर्स के हमारे जो होते हैं, कि इसकी रेंज कितनी है, तो बात करें इसमें अगर रेंज की बात करें, तो जो PS मोड होता है, पैडल असिस्टेंट मोड में, तो 60 किलोमीटर की रेंज आपकी वन टाइम चार्ज करने के बाद चलती है। तो थ्रोटल में आपकी जो इसकी रनिंग है वो चलती है 40 किलोमीटर। गाइस वहीं अगर इसकी स्पीड की बात करें, मैक्सिमम स्पीड की, तो इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। तो ओवरऑल लास्ट में हम बातें करते हैं इसकी प्रो और कॉन्स की। तो सबसे पहले प्रोस की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपके सामने ये, सबसे ईजिली इसे आप फोल्ड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप हैंडल बार भी इजीली इसे फोल्ड कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक हैंडल बार मिल जाता है। इसके जो टायर हैं वो भी काफ़ी फैट हैं, 20x4 इंच के फैट टायर मिल जाते हैं आपको। ड्यूल डिस्क आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, टेलीस्कोपिक जो है आपको ऑयल सस्पेंशन सिस्टम मिल जाता है। आप इसको मेटल पैडल को भी जो है आप इसे फोल्ड करके ईजिली कैरी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, मेरा जो पर्सनल रिव्यू है। बात करें कॉन्स की, तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा जो पर्सनल रिव्यू है, इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम जो है 25 पर आर किलोमीटर की स्पीड है। मेरे हिसाब से जो इसकी जो कॉन्स है वो है स्पीड को लेकर, क्योंकि 35 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड अगर होती तो शायद बेटर होता। लास्ट में इसकी बात कर लेते हैं प्राइस। तो इस इलेक्ट्रिक डूडल फैट बाइक का जो प्राइस है 76,000 प्लस GST एज एप्लीकेबल। सो गाइस अगर आपको ये साइकिल इलेक्ट्रिक फैट बाइक अगर आपको पसंद आएगा, आप इसे बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया है, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ बाय कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो, चाहे वो प्राइस को लेकर हो या फीचर्स को लेकर हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।